हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ग्रामीण तरस रहे हैं पानी को, व्यर्थ रहा है हजारों लीटर पानी। सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर होने के कारण बढ़ती जा रही है लापरवाही। जिले की सरहद चौटन मुख्यालय में बाड़मेर चौटन बिजराट सड़क मार्ग निर्माण कार्य प्रगति के होने के बाद निर्माण कार्य में पूर्ण रूप से लापरवाही बरती जा रही है। आपको बता दें कि कई स्थानों पर जेसीबी के माध्यम से सड़क पर खुदाई करने के कारण कई स्थानों पर पानी की पाइप पीस जा रही है। ऐसे में मुख्यालय के नजदीकी बिजराट सड़क मार्ग पर ठोक गाँव के पास पिछले करीब एक महीने से 20 पानी की पाइपलाइन पर रोजाना हजारों लीटर वर्ष पानी बह रहा है। वो इसको लेकर सड़क निर्माण के ठेकेदार BRO जलदाय विभाग के अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते रोजाना पानी व्यर्थ बह रहा है तथा गांव में भी समय पर पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। वहीं इस मामले को लेकर ग्रामीणों तथा गाँव के सरपंच द्वारा जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी अधिकारी अभी तक कुंभकर्ण की नींद से नहीं जागे हैं। साथ ही आपको बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि पानी की पाइपलाइन पिछले एक महीने से टूटी होने के कारण गांव में पानी की सप्लाई बंद है। साथ ही गांव में पानी की सप्लाई बंद होने के कारण गांव वासियों को पानी के टैंक करवाने को मजबूर होना पड़ रहा है, लेकिन अधिकारी अभी पाइपलाइन टूटी होने के कारण इसको और सही करवाने को लेकर ध्यान नहीं दे रहे हैं। गाँव ढोक है, हमारी लाइन लगी है करीब 2007 में और उसके बाद में रोड का काम चल रहा है। इन रोड वालों ने दूसरी बार लाइन तोड़ी है और पानी ढिल रहा है 20-25 दिन से, और हमने कई बार जैन साहब को कह दिए, उसके बावजूद आधे दिन तक न तो आए हैं और देख गए कल कर देंगे, और पानी वेस्टेज हो रहा है और पीने के लिए पानी नहीं है, टंकियों से मंगाना पड़ता है। हमारे ये हालत है और आज ये हजारों लीटर पानी ढुल रहा है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।